हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष शेखर है और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फीफा फोर्स। सो सुंबुल काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है इस वक्त, क्योंकि सुंबुल के साथ बिग बॉस में जो हो रहा है, बाहर उनके जो फैंस उनका साथ दे रहे हैं, यू नो, फिर टीना शालीन, काफी सारा कंटेंट सुंबुल के इर्द गिर्द घूम रहा है। सो बिग बॉस हाउस में जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, और सुंबुल जो कर रही हैं, अभी उनकी लड़ाई हो गई थी और फिर शालीन ने उनपे काफी चिल्ला दिया, उनके पापा का जो कॉन्वर्सेशन था उससे काफी आउटरेज हो गई घर में, लोग एग्रेसिव हो गए, टीना शालीन सुंबुल तीनों की लड़ाई हो गई है। इससे पहले भी अर्चना ने सुंबुल और टीना की लड़ाई लगाई थी, बट पुटिंग दैट थिंग अपार्ट, उनके जो को स्टार है गश्मीर महाजानी जो उनके एक्स को स्टार थे, उन्होंने एक यू नो स्टेटमेंट देते हुए काफी कुछ सुंबुल के बारे में बोला, उन्होंने काफी बयान दिया सुंबुल के बारे में। सबसे पहले उन्होंने बोला कि यू नो सुंबुल जो है वो काफी अच्छी हैं और काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बात की, उन्होंने बोला कि हम जो है सुबह सेट पे मैं सबसे पहले आता था और यू नो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता था, सारा देखता था कौन सा सीन कैसे शूट करना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत कुछ करता था। फिर डायरेक्टर आते थे और उसके बाद जब सुंबुल आती थी तो मैं सुंबुल के साथ बैठ के काफी डिस्कशन करता था ताकि हमारा जो एक्ट है जो अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं वो बेहतरीन हो। और उन्होंने ये भी कहा कि सुंबुल जो है उन्हें लगता है कि टेलीविजन इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट यू नो एक्ट्रेस हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है और उनके जैसी टेलीविजन में उनको नहीं लगता कि कोई उनके जैसी कोई एक्ट्रेस है। तो उन्होंने काफी तारीफ करते हुए कहा ये बात। जब उनसे पूछा गया बिग बॉस के बारे में, जो भी बिग बॉस के अंदर हो रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि वो बिग बॉस नहीं देख रहे हैं और क्लोजली, लेकिन जितना वो जानते हैं। जब उनसे शालीन पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि यू नो शालीन कौन है उनको नहीं पता है, वो क्या करते हैं, शालीन कैसे दिखते हैं, उनको शालीन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, और वो क्योंकि बिग बॉस देख भी नहीं रहे हैं तो उन्हें बिग बॉस में जो हो रहा है उसके बारे में भी आइडिया नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो सुंबुल को सेट्स पे ही, और जब वो लोग यू नो साथ रहते थे तो वो उनके लिए बुक्स लाके देते थे हिंदी की, लिटरेचर की, उर्दू की, ताकि उनका जो लहजा है, जो उनका बोलने का तरीका है, और जो भी एक्टिंग में उनके ये सारी चीजें काम आएंगी, लिटरेचर एक्टिंग में काम आती है। तो उन्होंने बताया कि बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशन उनका और सुंबुल का हमेशा रहा है, और सुंबुल बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है, उनसे अच्छी अदाकारा उनको कोई लगती नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि सुंबुल क्या आपको लगता है कि सुंबुल शालीन से ऑब्सेस्ड है, तो उन्होंने यही कहा कि वो इतने क्लोजली सुंबुल को जानते नहीं और ना ही वो बिग बॉस देख रहे हैं, तो वो ये कैसे बता सकते हैं कि कौन किससे ऑब्सेस्ड है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं किससे ऑब्सेस्ड हूँ ये कोई और नहीं बता सकता, जो जिससे ऑब्सेस्ड है वही बता सकता है वो किससे ऑब्सेस्ड है। तो ये सारी बातें करते हुए उन्होंने सुंबुल की साइड ली और उन्होंने बताया कि सुंबुल कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं और काफ़ी अच्छी ह्यूमन बीइंग हैं, और यू नो उनकी फ्रेंडशिप जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल है, बर्थडेज पे वो लोग मिला करते हैं, बाकी उससे ज़्यादा वो नहीं क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये सब कहना है गश्मीर महाजानी का, जो कि सुंबुल के को स्टार थे, एक्स को स्टार थे। सो आप बताइए हमें, आपको कैसा लग रहा है सब कुछ जो बिग बॉस में चल रहा है, और कुछ और आपकी क्या राय है जो भी इंसिडेंट सुंबुल के साथ बिग बॉस में हो रहे हैं और उनके को स्टार के बारे में आपकी क्या राय है, हमें आगे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।